राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। भाजपा के मिशन 25 को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये मिशन भाजपा के लिए आसान नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण तक अंदाजा लगाया जा रहा था कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे चरण खत्म होते होते पार्टी के लिए सीटों की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। फलौदी सट्टा बाजार के भाव हो या राजनीतिक दलों के दावे, कई जगह भाजपा को 25 सीटें मिलना आसान नहीं दिख रहा है। अब राजस्थान के नेताओं ने कांग्रेस आला कमान को सर्वे रिपोर्ट में भी बड़ा दावा कर दिया है। प्रदेश नेतृत्व का दावा है कि कांग्रेस को 10 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। वहीं इन सब को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लगता है कि इस बार भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। लगता है 2 से 3 सीटों के बजाय 3 से 4 गुना कम सीटें हो सकती हैं। भाजपा को 16 से 17 सीटें और इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1-2 सीटें कम हो सकती हैं, जिसके बाद भाजपा के नेता भी इस दावे को सच मानने लग गए हैं। दरअसल इस बात का अंदाजा भाजपा को हो गया था, जिसके चलते चुनावी रैली के दौरान बांसवाड़ा टॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। भाजपा के सर्वे में बाड़मेर, झुंझुनू और दौसा को कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने इन सब से अलग दावा किया है। उनका कहना है कि राजस्थान के सभी 25 की 25 सीटें भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाने वाली है। खास बात यह है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गजों से अलग भजनलाल शर्मा को तवज्जो देकर प्रदेश की सत्ता सौंपी गई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं अगर भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर तय की जा सकती है। अब तो यहाँ 4 जून के परिणाम ही बताएंगे कि भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं, और अगर उसके हाथों से कुछ सीटें जाती हैं तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी।